अगर आप एक सोसाइटी में 3 BHK का फ्लैट चाह रहे हैं जो फुल्ली फर्निश्ड हो और जहाँ पे वो सोसाइटी बनी हो वो प्लॉट भी 3 साइड ओपन हो, पार्किंग की सुविधा हो, रजिस्ट्री वाले फ्लैट्स हो, आप उस पर होम लोन ले सकें और उसका जो इंटीरियर हो वो सुपर्ब हो, आउटस्टैंडिंग हो, तो इस फ्लैट की वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। अभी हम लोग देखेंगे एक सोसाइटी में 3 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट सुपर्ब और आउटस्टैंडिंग इंटीरियर के साथ। इसमें हम लोग ने 3 BHK भी बनाया है, 2 BHK भी बनाया है, 1 BHK भी बनाया है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधे और देखते हैं बिल्डिंग के सामने वाली जो खूबसूरत सी एलिवेशन है, खूबसूरत सी जो डिज़ाइन है अपने बिल्डिंग की, वो फिर दिखाएंगे पार्किंग और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये अपना पूरा फ्लैट। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अपने फ्लैट का लेआउट कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या मिलता है, कहाँ बेडरूम मिलता है, कहाँ आपको वॉशरूम मिलता है और कहाँ आपको ड्राइंग रूम मिलता है, कहाँ आपको किचन मिलता है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम हमने दिया है। इस फर्स्ट बेडरूम में आपको वार्डरोब मिल जाता है, टीवी पैनल मिलता है और साथ में अटैच वॉशरूम मिलता है। उसके बाद ये जैसे मैंने बताया कि ड्राइंग रूम है तो यहाँ पे एक स्पेसियस आपको वॉशरूम मिल जाता है, कॉमन वॉशरूम। इसको इस तरह से बनाया गया है कि सेकेंड बेडरूम के साथ भी बहुत आसानी से यूज होगा और इस सेकेंड बेडरूम में आप भी आपको वार्डरोब और टीवी पैनल मिल जाता है। यहाँ मॉड्यूलर किचन हम लोग ने दिया है, इसके साथ विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए। और थर्ड बेडरूम आपको यहाँ मिलता है, इसके साथ आपको वार्डरोब मिल जाता है, उसके बाद स्टडी टेबल मिलता है और साथ में बालकनी की एंट्री भी मिल जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ड्राइंग रूम की। और ड्राइंग रूम में अगर मैं डायमेंशन आपको बताऊं तो 12x15 का तकरीबन इस ड्राइंग रूम का आपको साइज मिलता है। आप देखिए इस तरह से सोफ़ा का जो प्लेसमेंट है वो आप कर सकते हैं, इस तरह से आप सोफ़ा लगा सकते हैं। यहाँ हमने कॉफ़ी टेबल दिया है, बहुत ही खूबसूरत फ्लैट भी, ड्राइंग रूम भी लग रहा है, फ्लैट भी आपको लगेगा और स्पेस भी बहुत अच्छा निकाला गया है। उसके बाद मैं दीवार दिखाना चाहूँगा आपको। दीवार में जो भी काम किया गया है कुल्टिंग का काम है और इसमें हम लोग ने कॉपर ग्लास यूज़ किया है। इस तरह का पूरा दोनों तरफ से आपको दीवार मिल रहा है। ऊपर आपने देखा होगा फैंसी लाइट भी हम लोग ने यूज़ किया है। और जब आपकी सेटिंग यहाँ पे है तो आप इंटरटेनमेंट के लिए अगर टीवी लगाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग ने यहाँ टीवी पैनल दिया है, बहुत बड़ा टीवी पैनल। इसका आप साइज़ देखिए, इतना बड़ा टीवी पैनल है, इस तरफ भी आपको स्पेस मिलता है। यहाँ आप अपना टीवी, LED जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप लगा सकते हैं। और ये सारे स्लॉट्स इस तरह से बना के दिए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। इस तरह से आप भी डेकोरेशन के लिए कोई शो पीस रख सकते हैं। और यहाँ भी इस तरह के सारे आपको स्लॉट्स मिलते हैं जो कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। जब आपके गेस्ट इस ड्राइंग रूम में बैठेंगे या आप बैठेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही अच्छी फील आने वाली है, नीट एंड क्लीन, आउटस्टैंडिंग और सुपर्ब इंटीरियर के साथ। और इसमें जो हम लोग ने स्प्लिट AC की वायरिंग है वो भी ऑलरेडी कर दी है, यहाँ पे आप अपना स्प्लिट AC लगा सकते हैं।
आर्टिफिशियल ग्रास हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है इस तरह से, और इसमें जो फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलता है बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन, जिसमें हम लोग ने झूमर भी लगाया है और साथ में दो फैन भी लगा हुआ है, और सीलिंग की डिजाइन आप देख रहे होंगे तो एक अलग डिजाइन, एक अलग सा आपको यहाँ चीज देखने को मिल रहा है। अब मैं दिखाता हूं आपको कॉमन वॉशरूम जो इसी के साथ हम लोग ने दिया है। इसमें जो सैनिटरी फिटिंग यूज की गई है वो जैक्वार की है। इस वॉशरूम का जो साइज है वो 8x4 का इस वॉशरूम का आपको साइज मिल जाता है, काफी स्पेसियस। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा खासा साइज इस वॉशरूम का। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो हम लोग ने दिया है, यहाँ गीजर के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, साथ में ऊपर शावर भी आपको मिल रहा है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फैंसी लाइट्स लगाए हम लोग ने और सीलिंग भी बनाई है, और यहाँ आपको वॉल माउंटेड सीट मिलता है। डाइवर्टर एक बार ब्रांड दिखाएं आशीष, यहाँ पे हम लोग ने जो डाइवर्टर लगाया है वो भी जैक्वार का है। एक ही टैप से हॉट एंड कोल्ड वाटर आपको मिलेंगे, और इस तरफ आपको वॉश बेसिन भी मिल जाता है। टाइल्स अगर आप देखें, टाइल्स का डिज़ाइन, तो रूफ तक हम लोग ने इसमें टाइल्स यूज़ किया है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट बेडरूम है, ये मैं पहले आपको दिखाता हूँ। और ये वॉशरूम इस तरह से बनाया गया है कि इस बेडरूम के साथ भी यूज़ हो जाएगा। जैसे ही हम फ्लैट में एंट्री लेते हैं, मैं डोर दिखाता हूँ। हम लोग ने इस तरह का डोर का डिज़ाइन बनाया है, और ये सिर्फ इसी बेडरूम में नहीं है, पूरे फ्लैट में आपको इस तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। और इसका हैंडल भी आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगाया है हम लोग ने, स्टेनलेस स्टील का। अगर बेडरूम के डायमेंशन की बात करूं तो 10x11 का ये बेडरूम का आपको साइज मिल जाता है। फ्लोरिंग वेट्रीफाइड डबल चार्ज की टाइल्स हम लोग ने इसमें लगाई है। यहाँ हम लोग ने बेड लगा के दिखा दिया है कि इस तरह से आप अपना बेड लगा सकते हैं। और पिल्लो के पीछे, जहाँ पे पिल्लो हम लोग लगाते हैं, उसके पीछे क्विल्टिंग का काम किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। दोनों तरफ स्टोरेज के लिए हम लोग ने वार्डरोब बनाया है, और वार्डरोब में भी आपको इस तरह का स्पेस मिल जाता है। स्टोरेज अच्छा खासा दिया गया है, दोनों में सेम स्टोरेज मिलता है आपको। और जो हैंडल हम लोग ने यूज़ किया है वो ब्रास का यूज़ किया है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो दोनों तरफ नाइट लैंप भी हम लोग ने लगाया है। इस बेडरूम के साथ हम लोग ने एक टीवी पैनल भी दिया है। टीवी पैनल में भी आपको ओपन कैबिनेट मिल रहा है, और इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल रहा है जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ आप अपना टीवी लगा सकते हैं, और नीचे ये सारे ओपन कैबिनेट्स हम लोग दे रहे हैं। और इस दीवार में हम लोग ने डिसेंट सा वॉलपेपर यूज़ किया है। ऊपर हम लोग ने इस तरह का फैंसी लाइट भी लगाया है, और फॉल सीलिंग की डिज़ाइन जो इसमें मिलती है, एक डिसेंट सोबर और सुंदर सी, जिसमें कॉब लाइट्स और एलईडी लाइट्स हम लोग ने यूज़ किया है, और बहुत ही एक प्रीमियम लुक आ रहा है। अब चलते हैं और देखते हैं अपना सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम का भी जो साइज़ है वो 10x11 का मिलता है। इस जो फ्लैट है इसका साइज़ 90 गज है। 90 गज में हम लोग ने फ्लैट बनाया है। वेटिफाइड टाइल्स की आपको फ्लोरिंग मिल जाती है, और यहाँ हम लोग ने दोनों तरफ स्पेस इस तरफ से छोड़ दिया है। बीच में बेड आपको लगा के हम लोग ने दिखा दिया है कि इस तरह से आप बेड लगा सकते हैं। पीछे इस तरह का काम मिलता है, जहाँ पे आप सर रखेंगे, जहाँ पे आप पिल्लो रखते हैं, तो पीछे में इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल जाता है। और यहाँ वार्डरोब मिलता है, इसमें भी बहुत डीप स्टोरेज दिया गया है। दोनों तरफ हम लोग ने इसमें माइका लगाया है, अंदर भी और बाहर भी। इस तरह के डिज़ाइन आपको मिलते हैं। यहाँ पे नाइट लैंप भी मिल जाता है, और ऊपर इस तरह के कैबिनेट्स। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊँ तो हम लोग ने ड्रेसिंग टेबल बनाया है। एक अलग डिज़ाइन हम लोग ने इसमें रखने की कोशिश की है। बीच में लुकिंग ग्लास लगाया गया है, दोनों तरफ इस तरह का डिज़ाइन इससे मैच करवाता हुआ। और कॉस्मेटिक से रिलेटेड स्टफ़ के लिए यहाँ दो ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं। इस तरह का ये पूरा डिज़ाइन आपको मिलता है। इसमें हम लोग ने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी बनाया है। सामने जो आप देख रहे हैं वो हम लोग ने फैंसी लाइट्स लगाया है, और जो डिज़ाइन आपको मिलता है इसमें फॉल सीलिंग की, वो भी एक प्रीमियम लुक में, जिसमें
कॉब लाइट्स और एलईडी लाइट्स भी मिलता है। इस दीवार में हम लोग ने वॉलपेपर यूज किया है, इनफैक्ट इस दीवार में भी और यहाँ भी, इस दोनों दीवार में आपको वॉलपेपर मिल जाता है। स्प्लिट एसी की वायरिंग हम लोग यहाँ करके दे रहे हैं, आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। और इसके साथ जो अटैच वॉशरूम मिलता है वो भी काफ़ी स्पेसियस, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही वेल डिज़ाइन। और एक चीज़ और भी मैं दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ जो आपको सिटकिनी मिलती है, एक बार दिखाना आशीष क्लोज करके, इस तरह का एक मजबूत और खूबसूरत सा जो सिटकिनी का डिज़ाइन है वो आपको मिल जाता है। और ये वॉशरूम आप देखिए कितना स्पेसियस वॉशरूम है, इसमें एंटी स्किड टाइल्स की आपको फ्लोरिंग मिल जाती है। यहाँ हम लोग ने सीट लगा दिया है, गीजर के पॉइंट यहाँ दिए गए हैं और रूफ तक हम लोग ने इसमें टाइल्स यूज़ किया है। उसके बाद डाइवर्टर जो लगाया गया है वो भी जैकवर ब्रांड हम लोग ने यूज़ किया है। एक ही टैप से हॉट एंड कोल्ड वाटर आपको यहाँ मिल जाएगा। और ऊपर हम लोग ने शावर लगाया है। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो यहाँ हम लोग ने वेंटिलेशन दिया है जिसमें ऑलरेडी एग्जॉस्ट लगा के दे रहे हैं। और एक फैंसी लाइट भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। वॉश बेसिन यहाँ मिलता है, लुकिंग ग्लास भी हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया है। तो बहुत अच्छा खासा स्पेस इस वॉशरूम का आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ जो अपना मॉडलर किचन है वो भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। उसका आउटर लुक भी है वो भी एक डिसेंट सा और अलग सा रखा गया है। आप देखिए ये हमारा किचन है, जैसे ही बाहर आप देखेंगे किचन के तो इसका आउटर लुक इस तरह से आएगा। हम लोग ने इसमें सारे स्मॉल शो पीसेस हैं वो लगा दिए हैं। और ये हमारी किचन की एंट्री है, जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो ये पूरा आपको किचन मिलता है। इसमें विंडो भी मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। और चिमनी जो हमने लगाया है इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है, सेंसर के साथ वो काम करेगी, सेंसर वाली चिमनी है उसमें। जो इसमें सिंक भी हम लोग ने दिया है वो साउंड प्रूफ दिया है। यहाँ भी जो टैप आप देख रहे हैं ये भी जैकवार का आपको मिलता है। और ये विंडो है, आप अपने हिसाब से इसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ हम लोग ने छोटे छोटे इस तरह के लगा दिए हैं। और यहाँ काउंटर जो मिलता है वो वाइट कलर में मिल जाता है आपको। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी एक बार क्लोज करके दिखाइए आशीष, इस तरह का हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिमनी दे रहे हैं। फ्रिज का स्पेस एकदम अलग ही रखा गया है, ये स्पेस पूरा फ्रिज के लिए दिया गया है, जिसमें हम लोग ने फ्रिज लगा के भी दिखा दिया है कि आप इस तरह से अपना फ्रिज लगा सकते हैं। और ये सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ स्पेस आपको मिल जाता है और यहाँ भी स्पेस मिलता है, ये सारे स्पेस आपको मिल रहे हैं और इस तरफ भी आपको स्पेस मिल रहा है। नीचे भी आपको बड़े सारे कैबिनेट्स मिल रहे हैं, ये सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो कटलरी वगैरह दिया गया है, स्मॉल जो भी यूटेंसिल्स है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद तीन कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ये सारे कैबिनेट्स आपको मिलते हैं और यहाँ भी स्पेस मिलता है। हम लोग के घर में जो बड़े कंटेनर होते हैं किचन में उसके लिए भी इसमें अलग से आपको स्पेस मिलता है। यहाँ ये स्पेस पूरा आपको मिल रहा है जिसमें बड़े कंटेनर आप रख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो एक स्पेसियस किचन बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ, ऊपर में भी लाइट और जो डिज़ाइन दी गई है बहुत ही खूबसूरत सी। इसमें आप तीन चार लोग भी खड़े होंगे तो आपको सफोकेशन बिल्कुल फील नहीं होगा। एक तो स्पेस है और दूसरा सामने विंडो भी आपको मिल जाता है। एक बार क्लोज करिए आशीष, उसमें जो डिज़ाइन भी दिया गया है किचन में वो इस तरह का है। इसी के साथ आपको मिल जाता है थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में भी हम लोग बेड लगा के दिखा दिए हैं कि इस तरह से आप बेड लगा सकते हैं। उसके बाद भी दोनों तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा। जो कॉपर का ग्लास है उसका भी हम लोग ने काम किया है, पीछे कुल्टिंग का काम किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और
यहाँ इस तरह का आपको वार्डरोब मिल जाता है जिसमें हम लोग ने स्लाइडर यूज किया है। स्टडी टेबल एक इस बेडरूम में आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्टडी टेबल मिलता है, स्टोरेज के लिए यहाँ स्पेस मिल जाता है। और वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये विंडो आपको मिलता है और ऊपर विंडो एसी लगाने के लिए जगह दी है। और यहीं से आपको बैल्कनी की एंट्री मिलती है, बड़ी सी बैल्कनी बनाई गई है, उसमें हम लोग ने टैप भी लगा दिया है, आप अपना वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। और साथ में एक प्रीमियम लुक का फॉल सीलिंग की डिज़ाइन इसमें मिल जाती है जो ये है। इस फ्लैट की मैं सिनॉप्सिस की बात करूं तो सोसाइटी का एक ऐसा 3 BHK का फ्लैट जो 3 साइड ओपन प्लॉट पे बनाया गया है, इसे आप फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड दोनों तरीके से ले सकते हैं। अभी हम लोग ने जो फ्लैट देखा है वो 90 गज का फ्लैट है, सिंगल साइड ओपन है, एक फ्लोर पे इसमें 6 फ्लैट बनाए गए हैं जिसमें 3 BHK है, 2 BHK है और 1 BHK है। जो हम लोग ने फ्लैट देखा है वो 3 BHK सिंगल साइड ओपन है और इसमें अगर आप चाहें तो एल टाइप का फ्लैट है वो भी फ्लैट आप ले सकते हैं। लिफ्ट और कार पार्किंग की सुविधा है, होम लोन अवेलेबल है, रजिस्ट्री वाले फ्लैट हैं। तो अगर आप इस फ्लैट को विजिट करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह सर मोस्ट वेलकम, आप आइए, जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो आपको फ्लैट दिखाएंगे। और इस फ्लैट के बारे में कुछ और भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, आप उस पर फ़ोन करें और अपने विजिट का टाइम दें। तो सर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह आपको सानवी एस्टेट मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने जो आपका चैनल है सानवी एस्टेट उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे अपने सपनों का घर, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो, जर से मकान हो, या आप जानना चाहते हैं कि लोन कैसे होता है, रजिस्ट्री कैसे होती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी तरह की वीडियो हम लोग ने इसमें अपलोड कर दी है, आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और सारी तरह की वीडियो जो मैंने बताया वो आप हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं। तो सर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और ऑफ कोर्स आप ही सानवी एस्टेट है और आप ही से सानवी एस्टेट है।